तक हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर चुके हैं, आज एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक एग्जांपल लेकर के उसको समझते हैं। एक्सपेरिमेंट का नाम है टॉसिंग अ डाई। उसका सैंपल स्पेस हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक इवेंट डिफाइन कर रहे हैं, अ नंबर ग्रेटर देन 2 अपीयर्स। नंबर ग्रेटर देन 2 अपीयर्स। जो आउटकम्स फेवरेबल हुआ टू दिस इवेंट वो लिख लेते हैं 3, 4, 5, 6। एक इवेंट डिफाइन कर रहे हैं, ऑड नंबर अपीयर्स। जो आउटकम्स फेवरेबल हुआ टू दिस इवेंट उसको सेट के रूप में हम लोग लिख ले रहे हैं 1, 3, 5। हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए पूछे तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को यहाँ गिनती करके लिख लेना है एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को गिनती करके लिख लेना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसी तरह से अगर हम लोग इस इवेंट के होने का संभावना पूछे तो 3/6। एक नया चीज हम लोग अभी डिफाइन करने जा रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी इफ इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। एक सीधा डंडा है और इसको पढ़ते कैसे हैं देखिए, हमको निकालना है इस इवेंट के होने का संभावना बी। अगर मतलब एक कंडीशन दे रहे हैं आपको, अगर इवेंट ए हम आपको कहें कि हो चुका है, लिख रहे हैं अकरेंस ऑफ इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी अंडर द कंडीशन, जिसको कि हम सिर्फ इफ लिखेंगे, ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसी स्टेटमेंट का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब समझाते हैं, कोई एक आउटकम आया, हम आपको जानकारी दे दिए कि ए हैज अकर्ड, मतलब आपको अब इतना बता दिए कि इन्हीं में से कोई एक नंबर आया है। अब पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए तो क्या संभावना है कि बी हैज ऑल्सो अकर्ड। जब आप हमको यह जानकारी दे दीजिएगा कि ए इवेंट हो चुका है, तो अब मेरा सैंपल स्पेस जो है अब यह नहीं रहा, अब यह मेरा सैंपल स्पेस है। अगर सिर्फ कोई एक एक्सपेरिमेंट का आउटकम कुछ हुआ और आपसे पूछे बिना बताए कि क्या संभावना है कि ये इवेंट हुआ होगा, तो आपको तो यही पता है कि इन 6 में से कोई एक आउटकम आया है और इन 3 में से कोई एक आउटकम आने का संभावना पूछ रहे हैं, तो आप 3/6 बोलते। लेकिन अब जब आपको ये हम जानकारी दे दिए कि इवेंट ए हैज अकर्ड, तब आपका जो सोच का जो दायरा है वो सिमट के इसी सेट में चला गया। सो नाउ दिस बिकम्स योर सैंपल स्पेस। तब इसका जो जवाब देंगे वो इन्हीं में से सोचेंगे, इनमें से 2 आउटकम है जो फेवरेबल है फॉर इवेंट बी। तो अगर हम आपको बता दिए कि इसी में से कुछ हुआ है, कौन हुआ है नहीं पता, तो अब बताइए बी के होने का संभावना। तो आप इस सैंपल स्पेस में से देख रहे हैं कि देयर आर 2 इवेंट्स ओनली विच आर फेवरेबल टू इवेंट बी, तो आप जवाब देंगे 2/4, 3/6 नहीं। इस सवाल का जवाब इस प्रकार दिया जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए, अब आपका सैंपल स्पेस ही रहा। अगर सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी बोलते तो आपका सैंपल स्पेस था एस,
और आप फेवरेबल आउटकम्स जो बी में है उसको गिनती करते और डिवाइड करते सैंपल स्पेस के आउटकम्स के संख्या से। लेकिन अब आपका सैंपल स्पेस ये है और ऊपर में कौन सा संख्या लिखेंगे आप, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कॉमन दिख रहा है उसी को लिखेंगे न्यूमरेटर। आप सिर्फ दो ही ना यहां दिखा आपको, तीन या पांच जो फेवरेबल है, तो ऐसा कोई आउटकम जो इस सेट में और इस सेट में कॉमन हो बस वो संख्या ऊपर में और डिनोमिनेटर में ये संख्या। अब इसको याद कर ले हम लोग, जब कभी हम ऐसा पूछेंगे किसी एक इवेंट के होने का संभावना बताइए, अगर कोई दूसरा इवेंट है जो आपको बता दे कि वो हो चुका है तो जवाब आप इस प्रकार देंगे, अगर हम ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस से, तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हमारा डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन यह है, मान कोई भी नाम इस तरह से लिखेंगे इवेंट्स का, कोई भी नाम देंगे ई और एफ नाम देंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई इफ इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो डिनोमिनेटर में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखेंगे जो हो चुका है, न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखेंगे और इस डेफिनेशन को याद कर लेंगे। यहां डिफाइन कर दिए हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इफ इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो डिनोमिनेटर में चला गया पी ऑफ बी, न्यूमरेटर में पी ऑफ ए। अगर हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें पीबी से, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण रिजल्ट हमको मिलता है कि कभी अगर ऐसा पूछा जाए कि ए एंड बी दोनों के होने का संभावना बताइए, तो हम मल्टीप्लाई कर दें पीबी से, तो दिस इज इक्वल टू आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए After B has occurred, एक इवेंट A है और एक इवेंट B है जो सक्सेशन में हो रहा है, दो इवेंट A और B अगर एक के बाद एक हो रहा है, जैसे मान लीजिए हम एक डाई टॉस कर रहे हैं एंड उसके बाद एक क्वाइन टॉस कर रहे हैं, और हम जानना चाहते हैं कि बताइए क्या संभावना है कि डाई में सिक्स आए और क्वाइन टॉस करे तो उसमें टेल आए। तो जब कभी ऐसा पूछे देर आर टू इवेंट्स ए एंड बी अकरिंग इन सक्सेशन एक के बाद दूसरा, आप पूछे हम कि उन दोनों के होने का संभावना क्या है, पहले इवेंट ए हो जाए जैसे सिक्स आ जाए एंड उसके बाद जब हम क्वाइन को टॉस करें तो उसमें टेल आ जाए, So, क्या संभावना है ऐसा होने का इवेंट ए एंड फॉलोड बाय अनदर इवेंट। तो निकालने के लिए हम लोग के पास उपाय यह है कि हम पहले इवेंट ए होने का संभावना निकाल लें, तब मल्टीप्लाई करें इवेंट बी के होने का संभावना क्या है अब जब ए हो चुका है, या डिपेंड करता है कि आप किस एक्सपेरिमेंट को पहले कर रहे हैं, इसी को लिख सकते हैं पी बी मल्टीप्लाइड बाय पी ए आफ्टर बी हैज अकर्ड। टू इवेंट्स ए एंड बी इन सक्सेशन एक के बाद एक, कोई एक पहले तब दूसरा बाद में, आप अगर परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। हम लोग एक पढ़े हैं ए यूनियन बी, ए या बी होने का संभावना कैसे निकालते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग सीख रहे हैं कि ए एंड बी के होने का संभावना कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा अंतर है यहां और यहां, ए इंटरसेक्शन बी लिखने में।
यहां ए और बी दो इवेंट है, और जब ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं तो उसमें आउटकम्स लिखना पड़ता है जो फेवरेबल है टू बोथ ए एंड बी, दोनों सेट में जो पाया जाता है उसको आप यहां लिखते हैं फेवरेबल टू बोथ ए एंड बी। और यहां जो ए इंटरसेक्शन बी के लिए इस तरह से फॉर्मूला लिख रहे हैं उसमें एक ही एक्सपेरिमेंट बना है सक्सेसिवली कई को मिलाकर के, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तो ए एंड बी के होने का संभावना क्या है अगर ऐसा बोले कि निकालिए, तो पहले ए के होने का संभावना, फिर बी के होने का संभावना, लेकिन अब बी के होने का संभावना अब जब ए हो चुका है ऐसे लिखना पड़ता है। यही बात मोर देन टू के लिए भी वैलिड है, अगर हम ए बी एंड सी तीन इवेंट्स है इन सक्सेशन, उन तीनों के होने का संभावना क्या है, एक पॉइंट टॉस कर रहे हैं तीन बार सक्सेसिव, बताइए क्या संभावना है कि पहला टॉस में हेड आए एंड दूसरे टॉस में टेल आए और तीसरे में फिर हेड आ जाए, इस बात का क्या संभावना है। मैंने इवेंट ए है, फर्स्ट टॉस इज अ टेल, फर्स्ट टॉस इज अ टेल। इवेंट बी है, सेकेंड टॉस इज अ हेड। इवेंट सी है, थर्ड टॉस इज अ टेल। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का संभावना, यानी पहली बार टॉस करे तो टेल आवे, एंड अब जो दूसरी बार टॉस करे तो हेड आवे, एंड जब तीसरी बार टॉस करे तो टेल आवे, इसका क्या संभावना। तो ये ऐसे निकालना है, पहला टॉस किए उस इवेंट के होने का संभावना, यानी पहला टॉस में टेल आने का मल्टीप्लाइड बाय, अब जब दूसरा टॉस कर रहे हैं तो अब पहला हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इफ ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, एंड तब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इफ बोथ ए एंड बी हैव ऑलरेडी अकर्ड, हम इसको ए बी लिख रहे हैं। ऐसे लिखते हैं। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह बताना है कि देखिए हम जब लिखते हैं ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी इफ ए हैज अकर्ड, मैंने आपको एक जानकारी दे रहे हैं कि एक इवेंट हो चुका है, अब बताइए बी के होने का संभावना, हो सकता है अभी भी वही जवाब आ गए जो अगर आप नहीं बताए होते कि ए हो चुका है तब भी इवेंट बी के होने का संभावना अगर सेम आता हो, मैंने ये जानकारी आप अगर दे दिए कि इवेंट हो चुका है तब हम प्रोबेबिलिटी निकाले बी के होने का, और जब जानकारी नहीं दिए हैं इवेंट ए के होने या नहीं होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है तब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, और अगर दोनों सेम आ जाता है अगर, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि दी टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी ए के होने या नहीं होने पर बी का होना निर्भर नहीं है। अगर ऐसा है तो हम दोनों इवेंट को कहते हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे हम अभी एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, क्या संभावना है कि टेल आए, इस सवाल को बना के देखें तो हाफ। अब हम फिर से क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो अब बताइए क्या संभावना है कि हेड आवे, जबकि ये मालूम हो चुका है कि पहला टॉस में टेल आया था। अब ये बात इंडिपेंडेंट है। अब जब दोबारे आप क्वाइन को टॉस कर रहे थे तो अगर हमको बता भी दे कोई कि अरे पहले ना टेल आ चुका है, बट इस जानकारी से कोई मतलब नहीं है। एवरी टाइम द क्वाइन बिहेव्स इंडिपेंडेंट ऑफ एनी वन ऑफ इट्स प्रीवियस रिजल्ट्स, तो वैसे स्थिति में हम यहां सिर्फ लिखेंगे पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, ये बात यहां लिखे हैं। हम लोग डिफाइन किए हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो इवेंट ए और बी को इंडिपेंडेंट कहेंगे एक दूसरे से, जब ए एंड बी के होने का संभावना इक्वल टू आवे पी ए इंटू पी बी। देखिए यहां पे हम डिफाइन किए हैं ए एंड बी के होने का संभावना जब भी पूछे
तो आप किसी एक इवेंट को पहले मान लीजिए, जैसे बी को माने तो बी के होने का संभावना निकाल के गुणा किए हैं, अब ए के होने का संभावना इफ बी हैज अकर्ड। या आप ऐसे भी लिख सकते थे, ए के होने का संभावना को गुणा करते बी के होने का संभावना इफ ए हैज अकर्ड से। दोनों में से कोई एक काम कर सकते क्यों, आप देख सकते हैं अगर हम पी बी इफ ए हैज अकर्ड को डिफाइन करते तो यहां डिनोमिनेटर में लिखते पी ऑफ ए, न्यूमरेटर में पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी लिखिए चाहे बी इंटरसेक्शन ए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी, माने किसी एक को पहले किसी एक को बाद में। लेकिन इस डेफिनेशन में देखिए लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल के फिर गुना करते वक्त प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि बी हो चुका है। लेकिन अगर इवेंट ए और इवेंट बी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो, यानी एक इवेंट का होना नहीं होना को कोई लेना ही देना नहीं हो बी के होने या नहीं होने से, अगर ऐसा हो तब पी ए इंटरसेक्शन बी सिंपली लिखाएगा पी ए इंटू पी। जैसे हम लोग ए यूनियन बी जब कहते हैं कि निकालिए इस इवेंट के होने का संभावना, अगर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो पी ए प्लस पी बी कर देते हैं, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो तब पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी करना पड़ता है। तो हम लोग एक टर्म ऑलरेडी डिफाइन कर चुके थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दो इवेंट को कब कहेंगे कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, माने एक अगर हो गया तो दूसरा हो ही नहीं सकता, यानी दोनों का इंटरसेक्शन करने पर एक नल सेट मिलता। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टू इवेंट्स बीइंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको कभी भी हम सवाल में पूछे दो इवेंट डिफाइन करके कि बताइए ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है कि नहीं, तो यही टेस्ट है। उन दोनों इवेंट में कॉमन कोई भी आउटकम नहीं होना चाहिए, और तब वैसे स्थिति में पी ए यूनियन बी ऐसे निकाल सकते हैं। अभी हम लोग एक नया चीज डिफाइन कर रहे हैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कह रहे हैं कि अगर दो इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक का होना को दूसरे के होने से कोई लेना देना नहीं, तो दोनों के साथ होने का संभावना पूछे ए एंड बी, ये ए और बी है, ए या बी के होने का संभावना दोनों में से कोई एक हो जाए तो बताइए क्या संभावना है। तो दोनों के अलग अलग होने की संभावना को ऐड कर देंगे, या दोनों के साथ होने का संभावना तो दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को गुणा। दिस इज द डेफिनेशन फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ टू इवेंट्स, एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का डेफिनेशन ये नहीं है। डेफिनेशन है A intersection B should be null. That is the definition. ये corollary है, यानी कि अगर ये definition है तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन mutually independent का definition ही यही है। यानी हम आपसे कभी भी दो event दे दें A और B, आप पूछें कि mutually independent है कि नहीं। जैसे एक coin toss किए, उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखे हैं, एक इवेंट डिफाइन किए नंबर ग्रेटर देन टू, एक इवेंट डिफाइन किए ऑड नंबर क्वेश्चन, बताइए ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है कि नहीं। जब ये पूछेंगे तो आपको सेट का भाषा चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी को डिफाइन किया गया है इन द लैंग्वेज ऑफ सेट्स। आप ए इंटरसेक्शन बी सेट बनाइए 3 5, ये नल सेट नहीं आया तो आप निष्कर्ष निकालेंगे कि दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर हम पूछें कि दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं चेक कीजिए, तो इंडिपेंडेंस का जो डेफिनेशन है इट इज नॉट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स।
दिस इज द डेफिनेशन. यानी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, तीनों इवेंट. अगर दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा तो आप कहेंगे कि इंडिपेंडेंट है. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ टू इवेंट्स. आई पूछेंगे क्वेश्चन, हम कोई एक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड इवेंट्स डिफाइन करेंगे, आप पूछेंगे कि बताइए जरा देख करके कि ये सब इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं. जैसे इस केस में ए इंटरसेक्शन बी के होने का संभावना 2/6 और ए का संभावना 4/6 और बी का संभावना 3/6. अब इन दोनों को गुना करना है तो 12/36 गुना कर रहे हैं. पी ए इंटू पी बी इक्वल टू 12/36 1/3 और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू भी 1/3. दोनों अगर सेम आ गया तो हम कहेंगे कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. यानी कि इस सवाल में अगर आपसे हम पूछे होते कि बताइए तो बी के होने का संभावना इफ ए हैज अकर्ड, तो देखिए क्या आता है आपका जवाब. डेफिनेशन के अनुसार ऊपर में ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी और डिनोमिनेटर में ए के होने का संभावना. ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी है 1/3 और ए का होने का संभावना है 4/6 यानी 2/3. आंसर 1/2. और सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप निकाले होते बिना इस जानकारी के तो देखिए सेम आएगा आंसर 3/6 1/2. यही है इंडिपेंडेंस का मतलब. आपको एक बार कहे कि इवेंट बी के होने का संभावना बताइए बस, और एक बार कहे कि इवेंट बी के होने का संभावना बताइए अब जब ए हो चुका है. एक एडेड इंफॉर्मेशन दिए, एक कंडीशन लाद दिए, फिर भी वही आंसर, तो ऐसे स्थिति में कहेंगे कि बी का होना ए के होने या ना होने पे निर्भर करता ही नहीं. तो आप ऐसे नहीं टेस्ट करिए. दिस इज द टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. पी ए इंटू पी बी इफ इट इक्वल्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आप कहेंगे कि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है. अब इसको दिखा नहीं सकते हैं चित्र में, ये सेट पे आधारित नहीं है. इसको दिखा सकते हैं चित्र बना करके, हम दो इवेंट्स का चित्र बना के बस ऐसा चित्र बना दें अगर वेन डायग्राम, तो आप देख के बता देंगे कि इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नो कॉमन आउटकम, पर इंडिपेंडेंट है कि नहीं देख के बता सकते हैं. इनफैक्ट सच तो ये है कि अगर कोई दो इवेंट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वो पक्का इंडिपेंडेंट नहीं होगा. इस बात को कैसे साबित कर सकते हैं, देखिए दो इवेंट है मान लीजिए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0 होगा. म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी कभी हो ही नहीं सकता है, दोनों इवेंट साथ हो ही नहीं सकते. और पी ए इंटू पी बी नॉन जीरो है. हम यहां पे दो पॉसिबल इवेंट का बात कर रहे हैं. पॉसिबल इवेंट का मतलब जिनका प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है. पी ए 0 होता तब 0 इंटू पी बी 0 हो सकता. तो हम अभी आपको एक बात बताएं, अगर कोई दो पॉसिबल इवेंट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, वो पक्का डिपेंडेंट होगा. कैसे साबित की देख लीजिए. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसका मतलब है ये बात, और ए अभी अगर पॉसिबल इवेंट्स है तो पी ए इंटू पी बी को 0 नहीं ही होगा. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या था, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी ए बी, तो हो नहीं सकता. यानी एनी टू इवेंट्स इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन दे हैव टू बी डिपेंडेंट. उल्टा भी ट्रू है, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ही नहीं सकता. दो इवेंट इंडिपेंडेंट है मतलब दिया हुआ है पी ए बी इक्वल पी ए इंटू पी बी. अब पी ए पी बी 0 नहीं है तो ये कोई नॉन जीरो नंबर है, तब तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पी ए बी बराबर 0 होना चाहिए था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए.
यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स दोनों का डेफिनेशन ही बिल्कुल अलग अलग, एक सेट के कॉन्सेप्ट पे आधारित है और एक सिर्फ एक मैथमेटिकल मल्टीप्लीकेशन पे आधारित है। तो अब देखिए हम लोग इस सवाल को बता सकते हैं। क्वेश्चन था कि हम एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं वन आफ्टर दी अदर तीन बार, सैंपल स्पेस आप लिख सकते हैं एच टी एच एच टी टी एच एच टी एच एच एच। पहला वाला पोजीशन पे हम एच फिक्स कर दिए, अब बाकी दोनों पोजीशन को अरेंज कर दिए, चार तरीका से अरेंज कर सकते हैं। अब हम पहला पोजीशन पे टी रख देते हैं और फिर टी टी एच टी 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 एच टी टी एच एच हो गया। कुल आठ पॉसिबल आउटकम्स सब लिख दिए, पहला स्थान पे दो विकल्प, दूसरा पे दो और तीसरा पे दो, टू इंटू टू इंटू टू, देर आर एट पॉसिबल आउटकम्स। मेरा क्वेश्चन है कि क्या संभावना है कि पहला टॉस टेल हो, दूसरा टॉस हेड हो और तीसरा टेल हो, यानी टी एच टी हम पूछ रहे हैं, इस पर्टिकुलर इवेंट का हम प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो आप इसको देख के बता सकते हैं टी एच टी इज ओनली वन आउटकम आउट ऑफ ऑल दीज एट आउटकम्स, और ये सब इक्वली लाइकली है तो वन बटे एट होना चाहिए। और अभी जो सीखे हैं नया कॉन्सेप्ट उसको यूज करके देखें, वन बटे एट आता है। यहां पे तीन इवेंट है जो एक के बाद एक कर रहे हैं, तो आप इस तरह से लिखेंगे। हाँ, अब चूंकि आप जानते हैं कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है ऑफ इवेंट ए, इसीलिए हम इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जगह पे ये लिखेंगे और इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जगह सिर्फ पीसी लिखेंगे। ए और बी हो चुका है, इस जानकारी पे आधारित ही नहीं है इवेंट सी का होना या नहीं होना। अगर हमको पहले से पता हो कि जिन तीन इवेंट्स का बात हो रहा है वो सब एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मतलब ही नहीं, तो हम सीधे यही लिखे होते पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी ए पी बी पी सी, जो कि यहां लिखे हैं कि इफ द टू इवेंट्स आर नोन टू यू टू बी इंडिपेंडेंट, तब आप सीधे यही लिखिए और तब हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इक्वल टू वन बाई एट। ऐसे इस पर्टिकुलर आउटकम एक एलिमेंट्री इवेंट अगर हम बनाए होते एच टी एच, आप पूछे होते कि इस इवेंट का क्या प्रोबेबिलिटी आप असाइन करना चाहते हैं। अब हम लोग सीखे जो पहले परेशानी हो रहा था कि इसका कितना असाइन करेंगे। एक एग्जांपल याद कराते हैं आपको, एक एक्सपेरिमेंट। आपको एक क्वाइन दिया गया है और एक डाई, क्वाइन टॉस करना है, अगर हेड आता है तो फिर क्वाइन ही टॉस कर दीजिएगा और अगर टेल आता है तो डाई टॉस कीजिए। दैट इज द कंप्लीट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस को लिखें, क्वाइन टॉस किए, अगर हेड आया तो फिर क्वाइन टॉस करना है, तो ये आउटकम आ सकता है, ये आउटकम आ सकता है, और अगर टेल आया तो फिर डाई टॉस करना है, तो आउटकम टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव या टी सिक्स आ सकता है। और अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, एक इवेंट डिफाइन करेंगे वन टे, मैंने आपके आउटकम में एक जगह कहीं पे टी लिखा हो, ऐसा आउटकम, तो सारा आउटकम्स जो फेवरेबल है उसको लिख लीजिए। एक एच टी दिख रहा है और टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्स दिख रहा है। अब इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी बताइए। अब आप वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सैंपल स्पेस, यू कांट डू दिस, क्योंकि ये सब आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है। अभी जो सीखे हैं उससे देखिए, ये सब इक्वली लाइकली नहीं है, यू कांट यूज दिस कॉन्सेप्ट। अब अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है इस इवेंट का, तो जो मदर कॉन्सेप्ट था वो था कि हमको ईच इंडिविजुअल आउटकम्स
का प्रोबेबिलिटी निकाल के और ऐड करना होगा। तो क्या देखें कि इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, अभी तुरंत सीखे हम लोग, उसी से आप जवाब दे पाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी, यानी कि पहला टॉस किए तो हेड आया, एच एंड टी है, फर्स्ट टॉस में हेड एंड फॉलोड बाई सेकेंड टॉस में टेल। तो फर्स्ट टॉस में हेड एंड फॉलोड बाई सेकेंड टॉस में टेल आफ्टर फर्स्ट टॉस में हेड आ चुका है, ऐसे नहीं लिखेंगे, वो तो इवेंट को डिफाइन करना होगा। इवेंट ए डिफाइन करेंगे हेड इन फर्स्ट टॉस, इवेंट बी डिफाइन करेंगे टेल इन सेकेंड टॉस, अब ऐसे लिखना होगा टी ए मल्टीप्लाइड बाई टी बी आफ्टर इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। और ये चूंकि इंडिपेंडेंट है इवेंट उससे, अगर सिमिलर कंडीशंस में आप किसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं तो इस बार जो आउटकम आएगा वो पिछले आउटकम पे निर्भर होता ही नहीं है। अगर हम आपसे कहें कि एक पक्षा में 3 white balls है एंड 2 black balls, और कहें कि हम 2 बॉल ड्रॉ करते हैं, दूसरा बॉल ब्लैक आना चाहिए, इसका क्या संभावना है? एगो निकाले, कलर लिख दी, हाथी में रखे, उसको वापस नहीं डालना। अब फिर दूसरा निकाले, वो ब्लैक चाहते हैं, तो अब दूसरा बार ब्लैक निकलेगा ना, वो पहले बार के ड्रॉ पे डिपेंड करता है। जैसे पहला बॉल अगर ब्लैक आ गया, अब एक ब्लैक बचा टोटल 4 में से, सेकेंड ड्रॉ में ब्लैक आने का संभावना तब 1/4 होगा, लेकिन अगर पहला व्हाइट निकल गया तब जो बाकी बचा सेकेंड ब्लैक निकलने का संभावना तब 2/4 होगा। यानी कि अभी आप जो सेकेंड इवेंट डिफाइन कर रहे हैं वो पहले इवेंट के आउटकम पे निर्भर करता है, लेकिन यहां जो इवेंट हम लोग बात कर रहे हैं, पहला कॉइन टॉस किए क्या आया, जो भी आउटकम आया, अब दूसरी बार उसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं अंडर एग्जैक्टली सिमिलर कंडीशंस, तो फिर उसके आउटकम को पिछले आउटकम से कोई मतलब नहीं। तो ये हाफ इंटू हाफ हो गया, यानी इस आउटकम के होने का संभावना है 1/4। इसका पहला टॉस में हेड आ गए एंड फॉलोड बाय दूसरे टॉस में टेल आ गए, तो खाली गुना करना है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स का बात कर रहे हैं तो गुना करना है, हाफ इंटू हाफ हाफ 1/4 इसका, देखिएगा सबका सम 1 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी का जो हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें सैंपल स्पेस के सारे इंडिविजुअल आउटकम्स के लिए एक नंबर असाइन करना है हमको, फ्रैक्शन सच दैट सम ऑफ द फ्रैक्शंस मस्ट एड अप टू 1। हम लोग जो खेल शुरू किए ना, सारा सवाल बनाया, उसमें इक्वली लाइकली था। तो अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें है और इक्वली लाइकली होता तो सबको 1/8, 1/8, 1/8 असाइन कर दे, बट दे आर नॉट इक्वली लाइकली। अब जाके हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होने वाला है, जब हम ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों बताने हैं। तब अभी ए इंटरसेक्शन बी हम लोग बता रहे हैं। अब टी वन का संभावना क्या है, यानी पहला टॉस में टेल आवे कॉइन के टॉस, अब दूसरा टॉस में 1 आना चाहिए डाई के टॉस में, अब डाई के टॉस में 1 आने को कोई लेना देना नहीं है, कॉइन के टॉस में टेल आया, नहीं तो कायदे से लिखना होगा पी टी 1 को लिखना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टेल इन द टॉस ऑफ द कॉइन फॉलोड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 1 इफ टी हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब इस बात को कोई लेना देना नहीं इससे, इस टी होने या नहीं, तो इसको सिर्फ पी 1 लिख सकते हैं, यानी कि अब इसके लिए जो नंबर असाइन होगा हाफ इंटू 1/6, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 जोड़ के देखिए तो सब 1 है कि नहीं, यह है 6 times 1/12 और यह है 2 times 1/4, दिस इज हाफ प्लस हाफ दैट इज 1। और अब इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछेंगे क्या होगा, तो अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दिस पर्टिकुलर इवेंट को हम लिख सकते हैं एज यूनियन ऑफ E1 इस एलिमेंट्री इवेंट 7 एलिमेंट्री इवेंट का यूनियन है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इक्वल टू PE1 प्लस PE2
प्लस पीई थ्री प्लस पीई सेवन तक। तो इसका प्रोबेबिलिटी है एक बटे चार, इस आउटकम का प्रोबेबिलिटी एक बटे बारह, एक बटे बारह, एक बटे बारह, ये छह बार है, सिक्स टाइम्स। हाफ प्लस वन बाई फोर, तीन बटे चार। इस बक्सा में देखें, अगर आपसे कहें कि एक इवेंट डिफाइन करें, एक्सपेरिमेंट है, टू बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन फ्रॉम दिस बॉक्स, एक के बाद एक। प्रोबेबिलिटी निकालना है फर्स्ट बॉल व्हाइट एंड सेकेंड बॉल ब्लैक। इवेंट ए डिफाइन कर दे फर्स्ट बॉल व्हाइट, इवेंट बी डिफाइन कर दे सेकेंड बॉल ब्लैक। क्वेश्चन है पी ए इंटरसेक्शन बी एंड है, इसको लिखे पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी आफ्टर ए हैज अकर्ड इक्वल। पहला गेंद निकाल रहे हैं, क्या संभावना है कि वो वाइट हो, तो तीन बटे पांच। सैंपल स्पेस में पांच आउटकम्स है और तीन आउटकम है जो फेवरेबल है टू दिस इवेंट, तीन बॉल है जो वाइट है। सैंपल स्पेस लिखना होगा तो बॉल्स का कुछ नाम दे देंगे, W1, W2, W3, B1, B2। और इवेंट ए के फेवरेबल W1, W2, W3, अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट तीन बटे पांच। अब पहला गेंद व्हाइट निकल चुका है, अब सेकेंड गेंद ब्लैक होने का समय, तो व्हाइट हटा दीजिए, कुल चार गेंद उसमें दो ब्लैक, दो बटे चार। अभी जो सीख रहे हैं हम लोग उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहां एक चीज डिफाइन किए हैं कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए कोई एक इवेंट है ए जो कई तरीकों से हो सकता है, जैसे हम यहां दो बॉक्स बनाते हैं, एक में देर आर फोर व्हाइट एंड थ्री ब्लैक बॉल्स और एक में देर आर टू व्हाइट एंड फाइव ब्लैक बॉल्स, बॉक्स वन एंड बॉक्स टू। आपके पास एक डाई है, टॉस करना है, अगर दो या दो से छोटा नंबर आता है तो आप बॉक्स वन में से गेंद निकालिएगा, और अगर दो से बड़ा नंबर आता है तो इस बैग से निकालिएगा। दो या दो से छोटा एक इवेंट हम डिफाइन कर दे रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू टू। इसमें दो ही आउटकम है, एक और दो, एक इवेंट भी नंबर ग्रेटर देन टू, इसमें चार आउटकम है, थ्री फोर फाइव सिक्स। दोनों इवेंट के अलग अलग होने का संभावना आप जानते हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस में एक दो तीन चार पांच छह आउटकम था, तो इस इवेंट के होने का संभावना दो बटे छ यानी एक बटे तीन, और इस इवेंट के होने का संभावना चार बटे छ यानी दो बटे तीन। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर इवेंट ए होता है, मतलब दो या दो से छोटा नंबर आता है, तो बैग वन में से गेंद निकालिएगा, और अगर इवेंट बी होता है तो बैग टू में से निकालिए, और बताइए व्हाइट गेंद आने का क्या संभावना है। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट अ व्हाइट बॉल अपीयर्स, हम एक डब्ल्यू सिंबल रिप्रेजेंट करेगा, व्हाइट बॉल अप इज ड्रॉन। अब व्हाइट बॉल दो तरह से निकल सकता है, या तो बैग वन में से या बैग टू में से, यानी ये जो इवेंट जिसको आप W लिखे हैं इसको हम अगर डिफाइन करें तो W फ्रॉम बैग वन, जिसको हम W इंटरसेक्शन
ए लिखेंगे या डब्लू इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। इसको समझिए, ये जो लैंग्वेज लिखे हैं यहां लिखे हैं कि इवेंट ए हुआ उसमें से वाइट निकला, या इवेंट बी हुआ उसमें से वाइट निकला, यानी दिस पर्टिकुलर इवेंट वाइट गेंद का निकलना इनमें से कोई एक तरीका से हो सकता है, या तो इवेंट ए हो जाए तब आप बॉक्स वन में से निकालें और वाइट निकल जाए, या इवेंट बी हो जाए और तब आप बॉक्स टू में से निकालें और वाइट गेंद निकल जाए। ये यहां लिखे हैं कि इफ इवेंट ए मस्ट अकर इन एनी वन ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A1, A2, AN, इनमें से किसी एक तरीका से हो सकता है, और ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि आप एक साथ दोनों में से तो नहीं निकालेंगे ना। एक्सपेरिमेंट का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप या तो इस बक्सा से निकालेंगे या तो उस बक्सा से निकालेंगे, या मे भी हम कुछ और कंडीशन देते हैं एक और तीसरा बक्सा, जब इसमें से निकाल रहे हैं तो उसमें से नहीं निकाल रहे, जब उसमें से निकाल रहे तो उसमें से नहीं निकाल रहे, यानी कि ए में बॉक्स वन में से निकालना और बॉक्स टू में से व्हाइट बॉल का निकालना, दे आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इवेंट ए के होने का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो लिख रहे हैं फिर से यहां। अब ये एक इवेंट है और एक इवेंट ये है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए अकर्ड एंड फॉलोड बाय प्रोबेबिलिटी दैट अ वाइट बॉल वाज ड्रॉन आफ्टर इवेंट ए हैज अकर्ड। इवेंट ए के बाद अगर आप गेंद निकालते हैं तो वाइट निकलने का क्या संभावना है, इवेंट ए अगर हुआ होगा तब इसमें से निकालेंगे तब वाइट इवेंट होने का संभावना 4/7, और अगर इवेंट बी हो चुका है तब आप वाइट होने का संभावना क्या है, इसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट बी हैज अकर्ड मल्टीप्लाइड बाय नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वाइट बॉल बीइंग ड्रॉन आफ्टर इवेंट बी हैज अकर्ड, तब आप उसमें से निकाल रहे हैं तब 2/7। इवेंट ए के होने का संभावना है 1/3, और अगर ये इवेंट हो गया होता तब आप व्हाइट बॉल निकलने का संभावना है 4/7 क्योंकि तब आप इसमें से निकाल रहे हैं, या अगर इवेंट बी हो गया होता जिसका संभावना है 2/3 तब आप व्हाइट गेंद निकाले होते आफ्टर इवेंट बी है सकट तो आप उसमें से निकालते तब व्हाइट निकलने का संभावना 2/7, तब जो आप आंसर बताएंगे दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ व्हाइट बॉल बी ड्रॉ। एक एग्जांपल और देखते हैं, नर्सरी से प्लांट्स लाए, गार्डन में सबको प्लांट कर दी। हम जब नर्सरी से प्लांट्स खरीद रहे थे तो जो गार्डनर था वो बोला था हमको, वो सब पूछे थे कि क्या संभावना है कि ये जो तुम प्लांट्स दे रहे हो हमको 6-7 एक ही फ्लावर का 6-7 तो ये सब ब्लॉसम करेगा कि विदर अवे कर जाएगा, विदर करना मतलब मुरझा जाना, ब्लॉसम करना मतलब खिल जाना, तो विल दीज प्लांट्स ब्लॉसम और दे विल विदर अवे। तो वो हमको कहा कि अगर इसमें आप लगातार पानी पटाते रहे तो इनका संभावना है 80% कि ये सब खिल जाएगा, अगर पानी पटाते रहे तो कंडीशनल है, और अगर नहीं पटाए तो तब भी इनका संभावना है खिलने का, लेकिन तब संभावना 30%। और हमको वेकेशन पे जाना पड़ गया तो पानी पटाने वाला कोई तो चाहिए, तो अपने माली को बोल के गए कि तुम पानी पटाते रहना जी। अब माली जो है वो पानी पटाएगा इसका संभावना है 60% एंड 40% चांसेस है कि पानी नहीं पटाएगा। ये कितना बात हम बोलती है, प्रोबेबिलिटी कि माली पानी पटाएगा कुछ एक इवेंट के लिए एक सिंबल बना रहे हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स वॉटरिंग, He will water the plants, इसका probability question में दिया है 60%, 0.6 संभावना है कि वो पानी पटाएगा, और पानी नहीं पटाएगा उसका संभावना है 0.4, क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद चाहे वॉटरिंग के लिए हम लोग R सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि हम लोग फूल का मुरझाना के लिए विदरिंग बोलते हैं,
उसके लिए डब्ल्यू करेंगे। एंड प्रोबेबिलिटी की प्लांट्स ब्लॉसम करेगा इफ दे आर वॉटर्ड, यही बताया था मान ली हमको, खिन जाएगा अगर पानी पटाते रहे तो प्रोबेबिलिटी इज हाई। और द प्लांट्स विल ब्लॉसम इवन इफ दे आर नॉट वॉटर, पानी नहीं पटाइएगा ना तब भी खिलेगा, हाँ लेकिन उनका संभावना अब बहुत कम होगा, 30% चांसेस है। क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्लावर विल ब्लॉसम, कैसे निकाले? ब्लॉसमिंग को हम बी संबल से डिनोट कर रहे हैं, तो हमको पेड़ के खिलने का संभावना बताना है। तो पेड़ का खिलना दो में से किसी एक सिचुएशन में हो सकता है, पानी पटाते रहे तब खिल गया, या पानी नहीं पटाते रहे तब भी खिल गया। सो दिस पर्टिकुलर इवेंट कैन अकर इन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज। तो प्रोबेबिलिटी की पानी पटाया गया मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी की फूल खिला इफ पानी पटाते रहे, या प्रोबेबिलिटी की पानी नहीं पटाया गया अब फूल खिल गया यद्यपि की पानी नहीं पटाया गया। यानी कि पहला वाला जो विकल्प था ना, इसको हम एक स्टेप और पहले लिख रहे हैं, आर इंटरसेक्शन बी प्लस पी आर ब्राइम इंटरसेक्शन बी, जिसका मतलब होता है पानी पटाए एंड फूल खिल गया, पानी नहीं पटाए एंड फूल खिल गया। ये ऐसे लिखते हैं, अभी सीखेंगे। पानी नहीं पटाए मल्टीप्लाइड बाय फूल खिला इफ पानी पटाते रहे का संभावना, मल्टीप्लाइड बाय फूल खिल गया अगर पानी पटाते रहे तो उसका संभव। और अब हम लोग जवाब लिखते हैं, पानी पटाते रहने का संभावना मल्टीप्लाइड बाय पानी पटाने के बाद फूल खिलने का संभावना प्लस पानी नहीं पटाते रहे मल्टीप्लाइड बाय पानी नहीं पटाने के बावजूद भी फूल खिलने का संभावना। एक थ्योरम है दी बेस थ्योरम, बी ए वाई ई, मैथमेटिशियन का नाम है, एपोस्ट्रोफी एस, दी बेस थ्योरम ऑन रिवर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। देखिए ये दोनों एग्जांपल को देखिए, वाइट गेंद निकलने का संभावना आप निकाल लिए, दो तरह से हो सकता था व्हाइट गेंद का निकलना, या तो इस तरीका से या उस तरीका से, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड कर दिए। चलिए आपको अब हम जानकारी दे दिए एक एक्सपेरिमेंट में कि व्हाइट निकला, तो अब बताइए कि क्या संभावना है कि बॉक्स वन में से निकला था, उल्टा पूछा। आपको अगर हम सिर्फ इतना जानकारी दें एक एक्सपेरिमेंट के अंत में, आप नहीं देख रहे हैं, हम बॉक्स में से अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टॉस किए एक निकाले, बताया आपको कि वाइट है, तो आपसे अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या संभावना है कि ये बॉक्स वन में से निकाला, उल्टा चीज पूछ रहे हैं, इसको कैसे लिखेंगे देखिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल वॉज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स वन इफ इट इज गिवन दैट द बॉल वॉज वाइट। बॉक्स वन में से निकालना मतलब इवेंट ए का होना, क्योंकि इवेंट ए होगा तभी बॉक्स वन में से निकलेगा। ये इक्वल टू होगा पी ए इंटरसेक्शन डब्ल्यू बटे पी डब्ल्यू। अब जरा देखिए तो ए इंटरसेक्शन डब्ल्यू इसमें से कौन है, मैंने पी ए डब्ल्यू लिख रहे हैं, यही है, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी, ये वाला जो हिस्सा है ये है पी ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू मतलब इवेंट ए का होना एंड उसमें से वाइट का निकलना, ये है पी डब्ल्यू मतलब इवेंट बी का होना एंड उसमें से वाइट का निकलना। तो सिर्फ ये वाला संख्या को
डिवाइड कर लीजिए टोटल प्रोबेबिलिटी से। यही है बेस थ्योरम। डिनोमिनेटर में सारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बेस वाला प्रोबेबिलिटी लिखा होगा, उनमें से कोई एक होगा जो न्यूमरेटर में चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड बेस थ्योरम ऑन रिवर्स प्रोबेबिलिटी। इसके बाद एक छोटा सा और बात है, बाइनोमियल थ्योरम, जो पहले कुछ एग्जांपल्स देख ले हम लोग, तब उसको डिस्कस करें। ए हिट्स अ टारगेट 3 out of 4 टाइम्स, बंदूक से निशाना लगाना है। ए कोई व्यक्ति है, 4 में से 3 हिट। हम इस बात को ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स द टारगेट इक्वल 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट्स द टारगेट इज 2 out of 3 टाइम्स। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट इफ बोथ ट्राई, दोनों एक साथ कोई टारगेट को मारने का प्रयास करता है, क्या संभावना है कि टारगेट को लग जाएगा गोली। प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट इक्वल टू, अब टारगेट कितने तरीका से हिट हो सकता है, दो लोग गोली चला रहे हैं ना एक साथ, तो ए का गोली लग जाए या बी का लग जाए या दोनों का, 3 तरीका से हो सकता है। प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स बी डज नॉट हिट या ए डज नॉट हिट बट बी हिट्स या बोथ हिट। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि कितने तरह से हिट हो सकता है टारगेट, वो सब तरीका समझना होगा, और ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यहां कह रहे हैं कि ए का गोली लग गया बी का नहीं लगा, अब यहां कह रहे हैं कि ए का नहीं लगा बी का लगा, अभी दोनों साथ तो नहीं हो सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी, और अब ये कैसे निकलेगा, ए इंटरसेक्शन बी प्राइम, ये PA इंटू पी प्राइम होगा कि PA इंटू पी प्राइम आफ्टर ए हैज अकर्ड, लिखना तो ऐसा ही होता है, या तो ऐसे लिखिए इसको या पहले पी बी प्राइम लिख दीजिए तब पी ए आफ्टर बी प्राइम हैज अकर्ड, दोनों में से कोई एक लिखिए, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है तो पी बी प्राइम इफ ए हैज अकर्ड लिखना जरूरत नहीं होता है ना, तब तो ऐसे लिखें, हाँ खाली देखना है कि आर दे इंडिपेंडेंट और नॉट, बी द्वारा टारगेट को हिट करना या नहीं करना को कोई लेना देना नहीं है, ए के द्वारा टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ, अगर होता तो क्वेश्चन में लिखा होता, दिस इज पी ए प्राइम इंटू पी बी और पी ए इंटू पी बी, ए हिट किया बी नहीं किया या ए हिट नहीं किया बी हिट कर दिया या दोनों हिट कर दिया। और अब हम लोग जवाब लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द टारगेट बीइंग हिट बाय ए वो दिया हुआ है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ द टारगेट बीइंग नॉट हिट बाय बी वो भी दिया हुआ है, जब पी बी दिया हुआ है तो पी बी प्राइम दिया हुआ है 1 - 2/3 1/3 प्लस 1/4 इंटू 2/3 प्लस 3/4 इंटू 2/3। खाली अपने मातृभाषा में अनुवाद कर करके सोचिएगा, यू फील कंफर्टेबल। एक बक्सा में 4/5 ब्लैक, दूसरे बक्सा में 3/2 ब्लैक, वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, एक ठो इसमें से एक ठो इसमें से, सिंपल है कुछ, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट वन इज व्हाइट एंड वन इज ब्लैक, दो बॉल निकालना है एक इसमें से एक इसमें से, क्या संभावना है कि एक व्हाइट होगा एक ब्लैक होगा। अब ये बात दो तरह से हो सकता है, इसमें से व्हाइट निकला एंड इसमें से ब्लैक, या इसमें से ब्लैक और उसमें से व्हाइट। अगर हम कहते कि क्या संभावना है कि दोनों गेंद व्हाइट हो, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी W1 W2, अब W1 को डिफाइन कर लेते, व्हाइट फ्रॉम फर्स्ट बैग
डब्ल्यू टू वाइट फ्रॉम सेकेंड बैच. क्वेश्चन होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर वाइट, यानी पहला बैग वाला बॉल भी वाइट एंड दूसरा बैग वाला बॉल भी वाइट. आइए कैसे निकालते, पी डब्ल्यू वन इंटू पी डब्ल्यू टू आफ्टर डब्ल्यू वन हैज अकर्ड, बट इंडिपेंडेंट है, इसमें से वाइट निकाले इसमें से वाइट निकले, इसमें से गेंद निकालने पर क्या संभावना है कि वाइट निकलेगा, इसको क्या लेना देना है. इसी में से निकालते एक गेंद, फिर उसके बाद उसमें से निकालते तब हां तब सेकेंड ड्रॉल में डिपेंड करता पहले वाले, और आंसर होता 4/9 × 3/5. लेकिन अभी पूछे हैं कि क्या संभावना है कि एक गेंद वाइट हो एक गेंद ब्लैक, ये नहीं बोले कि इसमें से वाइट एंड इसमें से ब्लैक, वो बोले होते तो आंसर होता 4/9 × 2/5. या ये नहीं बोले हैं कि उसमें से ब्लैक एंड इसमें से वाइट, एक गेंद वाइट एक गेंद ब्लैक. तो आपको ये समझना है कि ये जो भी इवेंट हम कह रहे हैं डिफाइन कर रहे हैं वन वाइट एंड वन ब्लैक, तो ये प्रोबेबिलिटी W1 एंड B2 या B1 एंड W2, अभी सभी इवेंट्स को डिफाइन करना होगा, विच इज पी डब्ल्यू वन बी टू प्लस पी बी वन डब्ल्यू टू, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट बॉक्स से वाइट निकले मल्टीप्लाइड बाई अब दूसरे बॉक्स से ब्लैक निकले, इफ सब इंडिपेंडेंट है तो हम लोग सबको खाली गुना करना है पी डब्ल्यू वन इंटू पी डब्ल्यू टू प्लस पी बी वन इंटू पी डब्ल्यू टू, और आंसर 4/9 × 2/5 या 5/9 × 3/5. प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रुथ, कोई व्यक्ति ए है वो किसी भी बात को जब आके हम लोग को बताएगा ना कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो 70% बार वो सच बोलता है 30% बार वो झूठ बोलता है, ए लिखा है, और बी के बारे में लिखा है 0.8 प्रोबेबिलिटी. क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर व्हाइल नरेटिंग एन इंसिडेंट. अब एक ही चीज को दोनों देखते हैं, हम लोग को किस्सा सुना रहा है ए भी बी भी, तो क्या संभावना है कि दोनों एक दूसरे का उल्टा बात करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब काटना, मतलब ए कुछ बोल रहा है बी कुछ बोल रहा है, इसका क्या संभावना है, तो कितने तरह से हो सकता है ऐसा कि दोनों एक दूसरे को काट रहा है. तरीका एक कि ए सच बोल रहा हो एंड बी झूठ, या ए झूठ बोल रहा हो एंड बी सच, यही दो केस में काट रहा हो. अगर दोनों झूठ बोल रहा है तब तो काट नहीं रहा, तब दोनों साथे बोल रहा है एक चार, या दोनों सच बोल रहा है तो उसमें भी काट नहीं रहा. काट कितने तरीकों से रहा होगा अपने बातों को, तो जिस इवेंट को भी हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर पूछ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ एंड बी स्पीक्स फॉल्स डज नॉट स्पीक ट्रूथ प्लस यूनियन था क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों साथ तो नहीं हो सकता है. A does not speak truth and B speaks truth. और independent है, मतलब question में ऐसा नहीं लिखा है कि B झूठ बोलेगा कि सच बोलेगा, ये निर्भर करता है कि A क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं लिखे है. ऐसा लिख सकते हैं question में कि A अगर सच बोलता है ना तो B के सच बोलने का संभावना इतना है, और अगर ए झूठ बोलता है तब बी के सच बोलने का संभावना इतना है, ऐसा कर सकते थे. तब फिर यहां पे पी बी ब्राइन इफ ए स्पीक्स ट्रूथ उल्टी लिखना पड़ता, चूंकि इंडिपेंडेंट है तो हम लोग उसको सरलता से ऐसे लिख सकते हैं, और अब हम जवाब दे सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ 0.7, प्रोबेबिलिटी दैट बी डज नॉट स्पीक ट्रूथ इज 0.2, प्रोबेबिलिटी दैट ए डज नॉट स्पीक ट्रूथ बी स्पीक्स.
ए एंड बी ऑल्टरनेटली थ्रो अ पेयर ऑफ डाई, एक के बाद पहले ए फेंका फिर बी फेंका, ए विंस इफ ही थ्रोज अ सम ऑफ सिक्स बिफोर बी थ्रोज अ सम ऑफ सेवन. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग इफ ही स्टार्ट्स द थ्रो. अच्छा, दो लोग गेम खेल रहे हैं, ए पहले फेंका फिर बी फेंकेगा फिर ए फेंकेगा. अगर सम ऑफ टू नंबर्स, एक जोड़ा डाई है, अगर सिक्स आ गया तो ए जीत गया, और अगर सम सेवन आ गया तो बी जीत गया. तो क्या संभावना है कि खेल में ए जीतेगा, माने जिसका पहले आ जाए. जैसे ए पहले फेंका, सम आया मान लीजिए ऑफ द टू नंबर्स फाइव, तो अब बी फेंकेगा क्योंकि अभी ए नहीं जीता है. ए तब तक जीता नहीं माना जाएगा जब वो सिक्स जब तक नहीं लाता, अब बी फेंकेगा. बी थ्रो किया, बी का डाई का दोनों नंबर जो है उसका सम आया फोर, अब बी भी नहीं जीता तो फिर ए फेंकेगा. और ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों में से कोई एक जीत नहीं जाता है. तो क्या संभावना है कि ए जीतेगा? द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस. ए कैसे जीत सकता है? बहुत तरीका है ए के जीतने का. ये टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल सब हम लोग बना रहे हैं. जो भी इवेंट हम डिफाइन कर रहे हैं ना, अब वो कई तरीकों से हो सकता है. जैसे ए पहला ही बार में जीत गया, टॉस किया, जीत एक जोड़ा डाई टॉस किया, वो हम लोग अलग से निकाल लेते हैं. पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल टू सिक्स, वो हम लोग लिख लेते हैं. सम सिक्स कब होता है? एक पांच, दो चार, तीन तीन, चार दो, पांच एक, इन्हीं पांच तरीकों से सम सिक्स हो सकता है. तो सम सिक्स आने का संभावना है पांच बटे छत्तीस, और सम सेवन आने का संभावना वन सिक्स, टू फाइव, थ्री फोर, फोर थ्री, फाइव टू, सिक्स वन. देर आर सिक्स वेज इन विच दिस सम कैन बी सेवन. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल सेवन हैज सिक्स बटे थर्टी सिक्स. तो एक तरीका है कि पहला ही टॉस में ए जीत गया. हम इस इवेंट को ई नाम से पुकारेंगे, इस इवेंट को एफ. यानी कि ए विन करने का एक तरीका है कि पहला ही बार में इवेंट ई हो गया, सम सिक्स आ गया. या पहली बार में इवेंट ई नहीं हुआ फिर बी फेंका, इवेंट एफ भी नहीं हुआ अब ई हो गया. या ई नहीं हुआ, एफ नहीं हुआ, फिर ए फेंका नहीं हुआ, फिर बी फेंका, नहीं जीता भी, अब ई जीत गया. यूनियन एक सीरीज है अनंत, अब ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. यहां पे जो इवेंट है कि पहले ही बार में जीत गया, यहां इवेंट है कि तीसरी बार में जीता. अब दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता है ना, कि पहली बार में भी जीत गया. तो इट बिकम्स पीई प्लस पी ई प्राइम एफ प्राइम ई प्लस पी ई प्राइम एफ प्राइम ई प्राइम एफ प्राइम ई. इंटरसेक्शन है ये सब. ई प्राइम इंटरसेक्शन एफ प्राइम, माने ई प्राइम मतलब ए नहीं जीता एंड उसके बाद फिर बी नहीं जीता एंड उसके बाद ए जीत गया, तो बीच में इंटरसेक्शन है. अब ये कैसे निकलेगा? ये होता है पी ई प्राइम मल्टीप्लाइड बाई पी एफ प्राइम आफ्टर ई प्राइम हैज अकर्ड मल्टीप्लाइड बाई पी ई आफ्टर ई प्राइम इंटरसेक्शन एफ प्राइम. यानी बोथ है वह अकर्ड, और ये सब इंडिपेंडेंट है. यानी पहला टॉस में सम सिक्स आना या नहीं आना, अब फिर उसके बाद जब टॉस किए दोनों एक जोड़ा डाई को, तो फिर सम सेवन आए या ना आए. सिमिलर कंडीशंस में आप हर बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं, तो ये सब इंडिपेंडेंट है. यानी सिर्फ दिस इनटू दिस है, प्लस पी ब्राइम पी एफ ब्राइम पी ई ब्राइम पी एफ ब्राइम इनटू पी.
डॉट 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 एक इन्फाइनाइट सीरीज है जिसको जोड़ना है, तो लिखते हैं पीई 5/36, ए जीत गया पहले ही बार में, अब 31/36 ए नहीं जीता, 1-5/36 मतलब कि सम 6 नहीं आया मल्टीप्लाइड बाई सम 7 नहीं आया 30/36, अब सम 6 आ गया 5/36 प्लस 31/36 इंटू 30/36 इंटू 31/36 यानी फिर इंटू 30/36 तो 31/36 इंटू 30/36 का स्क्वायर इंटू अब ए जीत गया प्लस मैंने ए फर्स्ट टॉस में ही जीत गया या ए थर्ड टॉस में जीत गया या ए फिफ्थ टॉस में जीत गया या वगैरह, अब इस सीरीज को हमको ऐड कर देना है। ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज दिख रहा है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म है 5/36, अ कॉमन रेशियो यही है आर, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, और आर यहां एक फ्रैक्शन है। तो हम लोग इनफाइनाइट सीरीज की पढ़े हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज अगर कॉमन रेशियो मैग्नीट्यूड में एक से छोटा हो तो ए बाई 1-r यही होता है, यानी फर्स्ट टर्म बटे 1-माइनस कॉमन रेशियो विच इज 31/30/36/36 दैट इज द आंसर। सिंपलीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 36/36-31/30 होगा और न्यूमरेटर में 5/36 रह जाएगा। हर बार ना केवल आपको इवेंट को समझना है कि किसका पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, बस अ लॉट कंटेन्स 50 डिफेक्टिव एंड 50 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, एक बड़ा सा बक्सा है बल्ब्स रखा है, उसे 50 डिफेक्टिव बल्ब है 50 नॉन डिफेक्टिव है। टू बल्ब्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, हाथ डालना है एक निकालना है फिर दूसरा निकालना है, उसको रखना नहीं है वापस। एक बक्सा में 50 डिफेक्टिव बल्ब्स है 50 नॉन डिफेक्टिव, आप पहला निकाले अब दूसरा निकालिएगा, तो अगर हम पूछें कि दूसरा वाला बल्ब जो है वो डिफेक्टिव निकले इसका क्या संभावना है, तो पहला अगर डिफेक्टिव निकाले थे तब दूसरा का क्या डिफेक्टिव निकलने का संभावना, और अगर पहला नॉन डिफेक्टिव निकाले थे तब दूसरा का क्या डिफेक्टिव निकलने का संभावना। तो अगर हम ये सवाल पूछें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बल्ब विल बी डिफेक्टिव, तो देखिए कि सेकंड बल्ब डिफेक्टिव कितने तरीकों से हो सकता है। एक कि पहला डिफेक्टिव हो जिसका संभावना है 50/100, अब दूसरा निकाले तो डिफेक्टिव, तो एक निकल गया तो अब बचा 49/99, या पहला बल्ब निकाले नॉन डिफेक्टिव जिसका संभावना है 50/100, अब दूसरा बॉल निकला डिफेक्टिव। यही समझना है कि द फर्स्ट बॉल इज टी ब्राइट एंड फॉलोड बाय सेकेंड बॉल डिफेक्टिव, अब सेकेंड वाला जो डिफेक्टिव निकाल रहे हैं D1 प्राइम D2 वो डिपेंड करता है पहले वाले ड्रॉल पे, प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बल्ब विल बी डिफेक्टिव इफ द फर्स्ट बल्ब हैज बीन ड्रॉन एज नॉन डिफेक्टिव, दूसरा है कि फर्स्ट बॉल अगर डिफेक्टिव निकल गया है निकाले हैं आप, अब सेकेंड बॉल डिफेक्टिव निकाल रहे हैं इफ द फर्स्ट बल्ब इज डिफेक्टिव, दो तरह से है। इसमें था कि पहला बल्ब आप निकाले डिफेक्टिव उसका संभावना था 50/100, अब एक निकल गया, अब दूसरा बल्ब भी डिफेक्टिव निकला तो 49/99, और दूसरा केस आप ले रहे हैं कि पहला बल्ब जो निकला वो नॉन डिफेक्टिव संभावना इतना, और अब दूसरा बल्ब डिफेक्टिव निकले उसका संभावना, तो अब 50 डिफेक्टिव अभी भी है 99 बचा हुआ है, ऐसे लिखना होगा। Let us read this question. हम इवेंट डिफाइन किए हैं ए फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव, यहां विदाउट रिप्लेसमेंट वाला
सवाल है, बल्ब निकालना है, बाहर रख लेना है, वापस नहीं डालना है। इवेंट ए डिफाइन किए फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव, इवेंट बी बोथ बल्ब्स डिफेक्टिव, इवेंट सी सेकेंड बल्ब नॉन डिफेक्टिव। एक एक करके देखें हम लोग, इवेंट ए फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव, उसका प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं 50/100। इवेंट बी बोथ बल्ब्स डिफेक्टिव, पहला भी डिफेक्टिव एंड दूसरा भी डिफेक्टिव, तो चलिए पहला डिफेक्टिव 5/100 एंड उसके बाद दूसरा वाला डिफेक्टिव। अब जब पहला वाला डिफेक्टिव चुन चुके हैं, दैट इज 49/99, तीसरा है प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव। हाँ, अब ये दो बात पर डिपेंड करता है, फर्स्ट बल्ब आप बताए नहीं ना कि क्या होना चाहिए, तो पहला बल्ब अगर डिफेक्टिव है एंड तब दूसरा नॉन डिफेक्टिव है, या पहला बल्ब नॉन डिफेक्टिव है एंड तब दूसरा बल्ब नॉन डिफेक्टिव है, तो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज है, दोनों को ऐड करना होगा। पहला डिफेक्टिव 50/100, अब दूसरा का नॉन डिफेक्टिव, मैंने एक डिफेक्टिव निकाल लिए 50/99, या पहला नॉन डिफेक्टिव निकाले 50/100 संभावना है, अब दूसरा का उसके बाद नॉन डिफेक्टिव निकाल रहे हैं तो 49/99, अब 49 ही बचा होगा नॉन डिफेक्टिव आउट ऑफ द 99 बल्ब्स। ये है सी क्वेश्चन, चेक इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट्स ए कॉमा बी एंड ए कॉमा सी। जब भी कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंस चेक कीजिए, तो हम एक जोड़ा इवेंट देंगे, जब भी कहेंगे ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं चेक कीजिए, तो एक जोड़ा देंगे, ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं चेक कीजिए एक दूसरे से, ए और सी इंडिपेंडेंट है कि नहीं एक दूसरे से चेक कीजिए, यानी आपको पी ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना होगा, देखना होगा कि वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है कि नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, ए का मतलब था कि पहला डिफेक्टिव दूसरा नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है, पहला डिफेक्टिव दूसरा डिफेक्टिव भी हो सकता है, एस का जो फेवरेबल आउटकम्स है वो किसे कह रहा है कि पहला डिफेक्टिव होना चाहिए दूसरा चाहे जो, अभी कह रहा है कि नहीं दोनों डिफेक्टिव होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन कौन सा होगा, यही दोनों डिफेक्टिव, यानी कि 50/100 × 49/99। अब नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, यानी निष्कर्ष निकला कि ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट्स, नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट। उसी तरह से ए सी को देखना है, तो हमको ए इंटरसेक्शन सी पहले चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब देखिए, ये कहता है फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव, आई कहता है सेकेंड बल्ब नॉन डिफेक्टिव, अच्छा मतलब डी और एन डी, फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव 50/100 एंड सेकेंड बल्ब नॉन डिफेक्टिव 50/99। अब ये देखिए पी ए इंटू पी सी के बराबर नहीं है, उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 100 × 99, और न्यूमरेटर में एक 50 को कॉमन लीजिएगा तो 50 × 50 + 49 कट के ये सिर्फ हाफ है, तो पी ए इंटू पी सी हो गया 50/100 × 49/99 × ½। तो ये 50/100 तो मैच कर गया, अब लेकिन ये चीज इससे नहीं मैच कर रहा है, सो दे आर नॉट इक्वल, तो ए और सी भी डिपेंडेंट इवेंट्स। अगर कभी हम पूछ दें तीन इवेंट के बारे में, ए बी सी, कि तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, तो तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ऐसा है, मतलब क्या क्या चीज चेक करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी नल होना चाहिए,
बी इंटरसेक्शन सी भी नल होना चाहिए और ए इंटरसेक्शन भी नल होना चाहिए। तीनों को चेक करना होगा अलग अलग। मान लीजिए कि ए और बी ऐसा हो प्लेस्ड और सी ऐसा, तो हम ए बी सी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोलेंगे। और जब हम तीन इवेंट को देकर के कहें कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं चेक कीजिए, तो क्या चेक करना होगा? तो आपको पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी ए इंटू पी सी, पी बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी बी इंटू पी सी, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। ये चारों कंडीशन को चेक करना हो। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तब आप कहेंगे कि द इवेंट्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। जब दो इवेंट देते हैं ना ए और बी, तब स्थिति सिंपल है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, तो खाली आप ए इंटरसेक्शन बी को चेक कर लेते हैं, नल सेट है और इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकाल के चेक करते हैं पी ए इंटू पी बी से, दैट्स ऑल। लेकिन अगर तीन इवेंट हो गया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव साबित करने के लिए भी आपको इन सभी केसेस को चेक करना होता है। म्यूचुअल इंडिपेंडेंस के लिए इतना सारा केसेस को चेक करना होता है। जानकारी के लिए आपसे कोई नहीं देने जा रहा है एग्जाम। फॉर अ स्टूडेंट टू क्वालिफाई, कोई कंपटीशन में बैठा है कोई विद्यार्थी, तो क्वालिफाई करने के लिए ही मस्ट पास एटलीस्ट टू आउट ऑफ थ्री एग्जाम्स। मतलब उसको तीन एग्जाम देना है, तीन पेपर है, उन तीन में से कम दो में तो उसको पास करना होगा। एग्जाम्स का नाम रख देते हैं एग्जाम वन, एग्जाम टू, एग्जाम थ्री। तो पहला लाइन के अनुसार अगर वो एग्जाम वन और एग्जाम टू को क्लियर कर लेता है और थ्री में फेल भी कर जाता है तो भी क्वालिफाइड माना जाएगा, या फर्स्ट और थर्ड को पास कर लेता है सेकेंड को फेल कर लेता है तो भी, या तीनों को पास कर जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग फर्स्ट एग्जाम इज पी स्मॉल पी फुल स्टॉप। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द नेक्स्ट एग्जाम, ऐसा लग रहा है जैसे कि एग्जाम उसको देना है एक के बाद एक के बाद, पहला पेपर क्लियर किया फिर दूसरा क्लियर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द नेक्स्ट एग्जाम इज पी बाई टू इफ ही फेल्स द फर्स्ट, अदरवाइज इट इज पी फुल स्टॉप। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्वालिफाई, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्वालिफाई, कितने तरह से क्वालिफाई कर सकता है। हम एग्जाम्स का नाम रख दें E1, E2, E3, तो ही पासेज एग्जाम वन, पासेज एग्जाम टू एंड फेल्स इन एग्जाम थ्री, या फेल्स इन एग्जाम वन पासेज द अदर टू, या E1, E2 ब्राइम E3, या E1 E2, E3 तीनों में पास करता है, इतने तरह से वो क्वालिफाई कर सकता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये। यहां लिखा है कि थर्ड एग्जाम में फेल कर गया बाकी दो में पास कर गया, ऐसा कोई और नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, चूंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। और अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग फर्स्ट एग्जाम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सेकंड एग्जाम इफ ही हैज पास्ड इन द फर्स्ट, हाँ अभी लिखना होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो दूसरा एग्जाम पास करेगा, इसका संभावना पिछले वाले एग्जाम पे निर्भर है। कोई भी एग्जाम दिया, अब दूसरा वाला पास करने का संभावना पी बाई टू हो जाता है,
अगर पहला एग्जाम में फेल कर गया है, मैंने उसके प्रीवियस एग्जाम में फेल कर गया, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग द नेक्स्ट एग्जाम इफ ही हैज पास्ड द प्रीवियस टू एग्जाम्स, इस तरह से हम लिखेंगे, देखते हैं लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एन एग्जाम पी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द नेक्स्ट एग्जाम इफ ही हैज पास्ड द प्रीवियस एग्जाम, वो भी पी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग एन एग्जाम, तो पहला दोनों अगर वो पास कर चुका है तो नेक्स्ट एग्जाम में पास करने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था पी, तो फेल करने का प्रोबेबिलिटी 1 - p प्लस, पहला एग्जाम फेल करने का प्रोबेबिलिटी इज 1 - p। अब दूसरा एग्जाम पास करने का प्रोबेबिलिटी p/2 हो गया, और अब तीसरा एग्जाम पास करने का प्रोबेबिलिटी, अब क्वेश्चन के अनुसार ये मेंशन ऐसे नहीं है कि अदरवाइज इट इज पी, क्वेश्चन ऐसे मेंशन है अदरवाइज इट रिमेन्स सेम, ऐसा है, मतलब जितना प्रोबेबिलिटी था उतना ही रह जाएगा। तो अब सेकेंड एग्जाम पास कर गया है तो अब थर्ड एग्जाम जो कि उसके बाद होने वाला है उसमें पास करने का संभावना वही रह जाएगा जो प्रीवियस एग्जाम में पास करने का प्रोबेबिलिटी था, यानी p²/4 प्लस, फर्स्ट एग्जाम में पास करने का प्रोबेबिलिटी p, सेकेंड एग्जामिनेशन में फेल करने का प्रोबेबिलिटी। तो सेकेंड एग्जामिनेशन में पास करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, अगर फर्स्ट में पास कर गया है तो सेकेंड में पास करने का प्रोबेबिलिटी p था, तो फेल करने का प्रोबेबिलिटी 1 - p। और अब जब इसमें फेल कर गया है तो इसमें पास करने का प्रोबेबिलिटी p/2 हो जाएगा प्लस, पहले एग्जाम में पास करने का प्रोबेबिलिटी, अब दूसरा एग्जाम में पास करने का प्रोबेबिलिटी अगर पहला में पास कर चुका है, ऐसे लिखना पड़ेगा PE1 PE2 इफ E1 इनटू PE3 इफ E1 इंटरसेक्शन E2, E1 E2 लिख देते हैं तो ये P³ हो जाएगा, दैट विल बी द आंसर। तीन सवाल और बनाएंगे, दो बेस थ्योरम पे और एक बाइनोमियल थ्योरम। मैन स्पीक्स ट्रुथ 3 out of 4 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रुथ इक्वल्स 3/4। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स 6, हम लोग नहीं देख रहे हैं, ए को कहे अपना एक्सपेरिमेंट किया, वो डाई थ्रो किया, कहा कि 6 आया, पर वो हमेशा सच नहीं बोलता है, झूठ भी बोल सकता है। यहां पूछे हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, उसका बोलना कि 6 आया और एक्चुअली में 6 होना दो अलग बात है, वो 6 अगर बोल रहा है कि आया तो वो दो सिचुएशन में बोल सकता है, वो 6 नहीं आया झूठ बोला, या 6 सही में आया और वो सच बोला। हम इवेंट डिफाइन कर रहे हैं एज मैन रिपोर्ट्स 6, माने वो बोल रहा है कि 6 आया। अब ये दो तरह से हो सकता है, एक और 6 आने का इवेंट को हम कुछ एफ नाम से बोलेंगे, 6 टर्न्स अप ऑन द डाई, तो वो आदमी 6 रिपोर्ट किसकी स्थिति में कर सकता है, एक की 6 आया था डाई पे और वो आदमी 6 रिपोर्ट किया आफ्टर 6 आया, या 6 नहीं आया तब वो आदमी रिपोर्ट किया कि 6 आया, दो तरीका से वो 6 रिपोर्ट कर सकता है,
ई को डिफाइन कर रहे हैं एज एन इवेंट, द मैन रिपोर्ट्स सिक्स, सिक्स टर्न्ड अप मल्टीप्लाई इंटरसेक्शन वो रिपोर्ट किया, एक है कि सिक्स नहीं आया अब फिर भी वो कहा कि सिक्स आया, यही है इवेंट जिसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इतना प्लस इतना लिख दिए, और फिर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन यूज कर रहे हैं इस पैसे लिखे, सिक्स आया उसका संभावना है एक बटे छ, और अब वो आदमी बोला कि सिक्स आया मतलब सच बोला तीन बटे चार, या सिक्स नहीं आया और अब वो आदमी कहा कि सिक्स आया, ही रिपोर्ट्स दैट इट इज अ सिक्स, इफ सिक्स हैड नॉट अपीयर्ड। आप इस लैंग्वेज को सीखने में वक्त लगता है लेकिन आप ये सब कुछ नहीं लिखे तो भी बोल तो सकते हैं ना कि सच में सिक्स आया और सच बोला, या सिक्स नहीं आया और झूठ बोला, इतने तरीकों से वो बोल सकता है सिक्स का आना, रिपोर्ट कर सकता। हम लोग से क्वेश्चन पूछा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए इस बात का कि आपको अगर हम ये जानकारी दे दें कि सिक्स आया है तो सच में सिक्स आया था, माने हम आपको इवेंट ई का जानकारी दे दिए कि सिक्स हैज अपीयर्ड, वो आदमी कह रहा है कि सिक्स आया है अगर, तो बताइए कि सच में सिक्स आया था उसका क्या संभावना है, यानी कि एफ ये पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट सिक्स हैड एक्चुअली अपीयर्ड इफ द मैन इज सेइंग कि सिक्स आया, यही है बेस थ्योरम। ऊपर में लिखे हैं पी एफ इंटरसेक्शन ई, मतलब कि सिक्स आया एंड वो आदमी रिपोर्ट किया कि सिक्स आया, और नीचे में है टोटल प्रोबेबिलिटी सिक्स रिपोर्ट करने का कुल, यानी आपको इतना बटे पूरा लिखना था, यही हमारा बेस थ्योरम हमको सिखाया है। A is targeting B, while B and C are targeting A. अच्छा, कोई एक व्यक्ति को निशाना बना करके A उस पर गोली चला रहा है, दो लोग हैं जो A पे निशाना साधे हुए, probability that A will hit is 2/3, probability that B hits 0.5, C hits करे 0.33, यानी इन तीनों में सबसे बढ़िया शूटर है A, B थोड़ा पुअर शूटर है, सी उससे भी पुअर शूटर है। क्वेश्चन, इफ ए इज हिट, सब एक दूसरे पे निशाना, ए बी पे या बी दोनों सी दोनों इस पे, अगर ए को गोली लग गया तो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज हिट बाय बी एंड नॉट बाय सी, ये सब रिवर्स प्रोबेबिलिटी का है। हम आपको कह रहे हैं कि अगर ए को गोली लग गया, अब ए को गोली कई तरीका से लग सकता है, बी का गोली लग जाए सी का ना लगे, या बी का ना लगे सी का लग जाए, या दोनों का लग जाए, इतने तरीकों से ए कैन बी हिट, प्रोबेबिलिटी दैट ए इज हिट ये कई तरीकों से हो सकता है। तरीका एक कि बी का गोली लग जाए और सी का ना लगे, या प्लस कर दे रहे हैं, बी का ना लगे सी का लग जाए गोली, या दोनों का लग जाए, इतने तरीकों से ए कैन बी हिट। इनमें से एक है जिसमें कि बी का गोली लगा है एंड सी का नहीं लगा, यही क्वेश्चन है कि अगर एक गिर गया, गोली लग चुका है, तब इन्हीं में से कोई एक बात हुआ होगा, तो क्या संभावना है कि यह हुआ होगा, यही क्वेश्चन, यानी कि अब उल्टा निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है इस बात के होने का इफ ए इज हिट, तो प्रोबेबिलिटी बी सी ब्राइन ए इंटरसेक्शन लिख रहे हैं, माने इस इवेंट के कारण ए का हिट होना डिवाइडेड बाय पी ए हिट, ए के हिट होने का टोटल प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो यही समझना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी पहले निकालना, पी बी सी ब्राइम मतलब पी बी इंटू पी सी ब्राइम आफ्टर बी हैज हिट, ये इंडिपेंडेंट है, बी का गोली लगना और सी का गोली लगना
एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी पीबी इंटू पीसी ब्रैक, बी का गोली लग गया एंड सी का नहीं लगा, बी का गोली नहीं लगा वन माइनस हाफ कर रहे हैं, सी का लग गया या दोनों का लग गया, इतना संभावना है ए को गोली लगने का। अब उस न्यूमरेटर में आप ये वाला टर्म लिखेंगे हाफ इंटू टू बाई थ्री, और डिनोमिनेटर में इसको, और आपको आंसर आ जाएगा। एक टॉपिक है द बाइनोमियल थ्योरम, आप कोई एक ही एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है, कॉइन टॉस किए, फिर कॉइन टॉस किए, फिर कॉइन टॉस, हर एक बार जब आप करते हैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म, उसको हम बोलेंगे एक ट्रायल। अगर आप कॉइन टॉस करने वाले एक्सपेरिमेंट का बात करें तो उसका कोई एक ट्रायल में हम पूछें कि हेड आने का संभावना क्या है या टेल आने का संभावना क्या है, यही पूछेंगे एक ट्रायल ऑफ थ्रेड। लेकिन अगर हम कहें कि आप उसका 10 ट्रायल कीजिए, माने 10 बार, माने आपका पूरा जो एक्सपेरिमेंट है ना वो कंप्लीट माना जाएगा जब 10 बार कर लीजिएगा, एड्रेस में लिखिए 10 बार में से टी 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 एच टी एच 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 टी, फिर कीजिए 10 ट्रायल का एक एक्सपेरिमेंट, फिर अलग डेटा कलेक्ट, फिर 10 ट्रायल। अगर हम पूछें कि क्या संभावना है कि 10 ट्रायल में से 4 बार हेड आएगा, माने आप 10-10 ट्रायल का जब करेंगे ना सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो पहली बार करेंगे तो हो सकता है 10 ट्रायल में से 3 बार हेड 7 बार टेल, दूसरी बार किए तो 4 बार हेड 6 बार टेल, तीसरी बार किए तो 5 बार हेड 5 बार टेल। हम पूछ रहे हैं कि क्या संभावना है कि आउट ऑफ 10 ट्रायल्स 4 बार हेड आ जाएगा, एंड ऑफ कोर्स इट मींस कि 6 बार टेल है। आपके हर ट्रायल में दो चीज होगा, हम जो इवेंट डिफाइन कर रहे हैं ना हेड का आना, अगर वो आ गया तो हम कहेंगे कि आपका ट्रायल सक्सेसफुल था, और जब नहीं आएगा तो कहेंगे कि आपका ट्रायल फेलियर था। हम यूज करेंगे ये सब वर्ड्स, सक्सेस एंड फेलियर। तो सक्सेस ऑफ अ ट्रायल का प्रोबेबिलिटी मान लीजिए पी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 माइनस पी होगा, उसको हम क्यू लिख रहे हैं। जैसे अगर हम कहें कि एक डाई थ्रो कीजिए, 2 या 2 से छोटा नंबर आने का जो इवेंट है उसको हम ए कह रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू 2। तो किसी भी ट्रायल में अगर ए हुआ ये वाला इवेंट, तो आप कहेंगे कि दैट ट्रायल इज सक्सेसफुल, नया शब्द बना रहे, और नहीं हुआ तो आप कहेंगे द ट्रायल इज अ फेलियर। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में किसी एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पूछे कितना है तो 2/6 बोलेंगे आप, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना है तो 4/6 बोलेंगे। यानी हम 2 सिंबल असाइन कर रहे हैं, एक पी फॉर सक्सेस ऑफ अ ट्रायल एंड क्यू फॉर फेलियर ऑफ अ ट्रायल। और मेरा क्वेश्चन एक्चुअली में ये होगा कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को 50 बार करें 50 ट्रायल्स, तो बताइए कि उसमें से आप 30 टाइम्स सक्सेसफुल होंगे, इसका क्या संभावना है, कैसे निकालेंगे। तो गौर से सुनना है, आप 50 बार एक डाई को फेंक रहे हैं, क्या संभावना है 50 में से 30 बार आप सक्सेसफुल होंगे एंड 20 टाइम्स फेलियर होगा। हम सक्सेस को डिफाइन कर दिए हैं यहां सक्सेस का मतलब है 2 या 2 से छोटा नंबर आना, एंड फेलियर ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो गया। अब 50 टाइम्स में से हम स्पेसिफाई नहीं किए कि कौन बार सक्सेस चाहिए या कौन बार फेलियर। हो सकता है आप पहला 30 बार लगातार सक्सेसफुल रहे और फिर 20 बार फेल कर गए, ऐसा हो सकता है, या आप पहला 20 बार लगातार फेल किए फिर 30 बार सक्सेसफुल रहे, या हो सकता है कि पहला 5 बार सक्सेसफुल रहे
फिर लगातार 20 बार फेल किए और फिर 25 बार सक्सेसफुल रहे, मतलब इतना सारा विकल्प है, 50 में से कोई 30 बार आपको सक्सेसफुल होना है और 20 बार फेल करना है। एक ट्रायल किए, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है P, मैंने इमेजिन कीजिए आप कि सक्सेस 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 फेलियर 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 फिर सक्सेस सक्सेस, तो इस का क्या संभावना है ऐसा होने का, दिस फॉलोड बाय सक्सेस फॉलोड बाय सक्सेस अनदर सक्सेस अनदर सक्सेस अनदर सक्सेस देन फेलियर 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 फॉलोड एक के बाद एक। तो अभी तो सीखे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का निकालना हो प्रोबेबिलिटी, तो कैसे निकालेंगे, खाली गुना करेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट है, आप सेम ट्रायल को रिपीट कर रहे हैं। पहली बार जब आप डाई को थ्रो कर रहे थे तो सक्सेस का संभावना पी था, फेलियर का क्यों, दूसरी बार जब डाई को थ्रो कर रहे थे उसी को रिपीट कर रहे हैं तो सक्सेस की संभावना पी है, फेलियर का क्यों। तो अगर हम चाहते हैं कि पहला बार सक्सेसफुल एंड दूसरा बार सक्सेसफुल एंड तीसरा बार सक्सेसफुल पांच बार लगातार सक्सेसफुल फिर 20 बार लगातार फेलियर फिर 25 बार लगातार सक्सेसफुल, तो इस पर्टिकुलर तरीका का कितना प्रोबेबिलिटी है, तो P into P into P 5 बार, फिर Q into Q into Q 30 बार, और फिर P into V 20 बार, फिर Q into Q 25 बार, यानी P to the power 30 into Q to the power 20। पर ये तो एक तरीका है, या दूसरा ऐसा कैसे हो सकता है, दूसरा हम लगातार 30 बार सक्सेसफुल रहे और फिर 20 बार फेल कर गए, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, यही तो है, उसमें भी आप कीजिएगा P into P into P into P या Q into Q, इतना ही बार आएगा P to the power 30 Q। ऐसा फिर ऐसा, अब ऐसा कैट होगा इतना को कितना से गुना करें, इतना से 50C 30, यानी कि 50 स्थान में से 30 स्थान पे पी लिखना है, तो कितना तरह से हम लिख सकते हैं, तो 50C, यही है बाइनोमियल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी जिसको हम यहां लिखे हैं, एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड N टाइम्स सेम एक्सपेरिमेंट, और हर बार जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसको हम कहेंगे एक ट्रायल, यानी N ट्रायल्स आपको करना है किसी एक ही एक्सपेरिमेंट का। अगर हम स्मॉल p से भी नोट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कोई इवेंट डिफाइन करेंगे हम, वो होने को कहते हैं सक्सेस, उसके नहीं होने को कहेंगे फेलियर। और स्मॉल q सिंबल से डिफाइन करें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो कि 1 - p होगा, तो आउट ऑफ n ट्रायल्स आप r बार सक्सेसफुल हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेसेस इन n ट्रायल्स होगा ncr मल्टीप्लाइड बाय P to the power r r सक्सेसेस एंड n माइनस r फेलियर्स। कितने तरह से हो सकता है ये, तो वो कुल संख्या आएगा ncr। इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी को कैपिटल P ब्रैकेट में x = r, कैपिटल एक्स इक्वल आर, कैपिटल एक्स स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ सक्सेसेस, तो आर सक्सेसेस का प्रोबेबिलिटी निकालना हो आउट ऑफ एन ट्रायल्स ऐसे निकालेंगे, जैसे पूछे कि एक कॉइन टॉस कर रहे हैं 10 times, 10 बार में से 3 बार हेड आए, इसका क्या संभावना है, तो किसी भी एक ट्रायल में हेड आने का संभावना है हाँ, हेड आएगा तो हम कहेंगे हम सक्सेसफुल हुए, हेड नहीं आने का संभावना है हाँ, यानी हेड नहीं आएगा तो हम कहेंगे वो एक ट्रायल मेरा फेलियर हो गया। तो क्वेश्चन पूछे हैं प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी 3 सक्सेसेस, सक्सेस का संख्या 3, वो जवाब आउट ऑफ 10 ट्रायल्स, 10 ट्रायल में से 3 बार सक्सेसफुल हम हो, इसका क्या संभावना है, तो द थ्योरम सेज 10C3 गुने ½ to the power नंबर ऑफ सक्सेसेस, ½ to the power नंबर ऑफ फेलियर्स, ये फेलियर का प्रोबेबिलिटी है।
और हमारे सवाल में 7 फेलियर्स था 10 में से, 3 सक्सेसेस था 10 में से, एन सी 3 से गुना कर दीजिए आंसर, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। एक सवाल से देखना है, एक बक्सा में 10 डिफेक्टिव बल्ब्स एंड 90 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स रखा है, 8 बल्ब्स आर सिलेक्टेड वन आफ्टर द अदर विच रिप्लेसमेंट, मैंने एक बल्ब निकाले फिर रख दिए, फिर बल्ब निकाले फिर रख दिए, यानी आप सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं रिपीटेडली, 8 बार करना है। 8 बल्ब्स आर टू बी सिलेक्टेड वन आफ्टर द अदर विथ रिप्लेसमेंट, क्वेश्चन फाइंड प्रोबेबिलिटी कि उस 8 बल्ब में से 3 डिफेक्टिव बल्ब होगा, 5 नॉन डिफेक्टिव, निकाले नोट करके लिख लिए डिफेक्टिव की, फिर रख दिए, फिर मिला दिए, फिर निकाले, तो किसी भी एक ट्रायल में सक्सेसफुल हम बोल रहे हैं, मान लीजिए डिफेक्टिव होने को सक्सेसफुल बोल रहे हैं कि निकाले डिफेक्टिव निकल गया, मान लीजिए ऐसा, तो डिफेक्टिव निकलने का संभावना किसी भी एक ट्रायल में, सारा ट्रायल आइडेंटिकल है, डिफेक्टिव निकलने का संभावना है 10/100, और डिफेक्टिव नहीं निकलने का संभावना है 90/100। हम चाहते हैं कि 8 बार हम उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें, उसमें से कोई 3 बार, अब पता नहीं कौन 3 बार डिफेक्टिव निकल जाए और 5 बार नॉन डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू 3 हो। हम यहां डिफाइन करना होगा सक्सेस किसको बोल रहे हैं, जो कि इक्वल टू हो गया डिफेक्टिव इक्वल टू 3, ऐसे भी लिख सकते, तब इनको P1 P2 भी लिख सकते हैं, P1 और P2, तब 8C3 10/100 1/10 लिख रहे हैं, टू दी पावर 3 और 9/10 टू दी पावर 5। दूसरा है एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव, 8 में से कम 1 डिफेक्टिव, मतलब बहुत सारा केसेस हो गया, ये तो 3 डिफेक्टिव वाला निकाले थे ना, अब 2 डिफेक्टिव वाला, मैंने 2 बार डिफेक्टिव निकले 6 बार नॉन डिफेक्टिव, 8C2 1/10^2 9/10^6, प्रोबेबिलिटी की 4 डिफेक्टिव निकले एंड 4 नॉन डिफेक्टिव निकले, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव का मतलब 1 डिफेक्टिव और 7 नॉन डिफेक्टिव, या 2 डिफेक्टिव 6 नॉन डिफेक्टिव, या 3 डिफेक्टिव 5 नॉन डिफेक्टिव, बहुत सारा केसेस हो गया, या 8 डिफेक्टिव, एटलीस्ट का मतलब यही है, यानी हमको सब लिखना पड़ेगा, 2 बार डिफेक्टिव 6 बार नॉन डिफेक्टिव वाला, 3 बार डिफेक्टिव 5 बार नॉन डिफेक्टिव वाला, 4 बार डिफेक्टिव 4 बार नॉन डिफेक्टिव, 5 बार डिफेक्टिव 3 बार नॉन डिफेक्टिव, सारा लिख के सबको ऐड करना होगा, मिस नहीं, होशियारी करते हैं, एक को बार डिफेक्टिव नहीं हुआ वो वाला केस निकाल लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 में से, डिफेक्टिव बल्ब 0, नॉन डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू 8, ये वाला केस निकाल लेते हैं, कहे के लिए हम लोग डिफेक्टिव 1 नॉन डिफेक्टिव 7 डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव 6 डिफेक्टिव 3 नॉन डिफेक्टिव 5, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव, मतलब इस सब कुछ ऐड करना था, तो हम सोच रहे हैं खाली ई वाला निकाल लेते हैं और ई सब का सम तो 1 होगा क्योंकि यही कुल विकल्प है, इसके अलावा तो कोई विकल्प है नहीं, तो यहां पे होशियारी, यहां पे हमको जरूरत था 8C0 इंटू 1/10^0 इंटू 9/10^8, यही है, इसीलिए इसको बाइनोमियल थ्योरम कहा जाता है, क्योंकि इसका जो एक्सप्रेशन देखिए वो बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक टर्म है, ये आप पी प्लस क्यू सक्सेस प्लस फेलियर टू द पावर नंबर ऑफ ट्रायल्स को अगर आप एक्सपेंड कीजिए तो इसमें एक टर्म है आर सक्सेसेस एंड एन माइनस आर नॉन सक्सेसेस, एक टर्म है, तो हम इसका वैल्यू निकाल लें विच इज 1
1 9/10^8. अब बस 1 माइनस इतना लिख दीजिए, दैट इज द आंसर. एक और लिखे हैं, एटलीस्ट सेवन डिफेक्टिव बल्ब्स, यानी 7 डिफेक्टिव 1 नॉन डिफेक्टिव, या 8 डिफेक्टिव एंड नो नॉन डिफेक्टिव, दोनों को ऐड करना है. डिफेक्टिव 7 नॉन डिफेक्टिव 1, या 8 डिफेक्टिव डिफेक्टिव 8C7 1/10^7 into 9/10^1 plus 8C8 into 1/10^8 into 9/10^0. ऐसे लिखा. 8C7 मतलब 8C1 यानी 8, और ये हो गया 9/10^8 प्लस 8C0 मतलब 1, और यहां बचा खाली डिनोमिनेटर में 10^8, 9/10^8. इसमें से अगर हम लोग 9/10^8 को कॉमन ले लें तो 8+1 9, 9 × 9 81/10^8. इतना संभावना है. A coin is tossed n times. Find probability that head appears odd number of times. हम लोग एक कॉइन को n times टॉस कर रहे हैं. अगर आप कहिएगा कि 3 बार हेड अपीयर करे, इसका क्या संभावना है, तो हम लोग तुरंत लिख देंगे उसका प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स 3 टाइम्स. मान लीजिए एच इक्वल टू 3 लिख देते हैं, कोई एक नाम डिफाइन करना पड़ता है, हेड अपीयर्स को एच लिख रहे हैं, तो हम तुरंत बता देंगे NC3 ½^3, और जिस बार हेड नहीं आया उस बार का प्रोबेबिलिटी है ½ × n-3. ये जुट करके NC3 रह जाएगा और ½ × n हो जाएगा. यहां पे r टाइम्स हेड अपीयर करे, अगर पूछे होते एनी नंबर r, तो यहां NCR होता ½ × r और ½ × n-. ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के सिर्फ 1/2^n ही बचेगा. दोनों का पावर को ऐड कर दीजिए तो आपको फॉर्मूला आएगा NCR/2^n. क्वेश्चन पूछा है कि क्या संभावना है कि हेड ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा. अच्छा, यानी हेड एक बार, या हेड 3 बार, या हेड 5 बार, वगैरह वगैरह. यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड अपीयरेंसेस या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. अब इसको सीरीज है जोड़ना होगा, तो 1/2^n कॉमन हो जाएगा. NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस ... सब टर्म लिखने का जरूरत नहीं है. तो अगर यहां 10 होता तो 10C1, 10C3, 10C5, 10C7, 10C9 पे जाके रुक जाता. अगर यहां मान लीजिए 11 होता, 11C1, 11C3, 11C5, 11C7, 11C9, 11C11 पे जाके रुक जाए. और इसका सम हम जानते हैं, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़े थे उसी समय सीखे थे कि 1+x^n का बाइनोमियल एक्सपेंशन करने पर NC1x, NC2x2, ... अगर हम दोनों तरफ x की जगह 1 डाल देते हैं तो हमको एक बड़ा सुंदर रिजल्ट आता है. सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस ... इक्वल टू 2^n. और अगर दोनों तरफ x की जगह -1 डाल दें,
तो nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस डॉट 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 प्लस माइनस 1 टू द पावर n ncn, x के जगह माइनस 1 डालेंगे, आइधर 0। यानी यहां से एक बड़ी सुंदर रिजल्ट निकलता है, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 का वैल्यू इक्वल टू होगा nc1 प्लस nc3 प्लस डॉट 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 nc0 nc2। माने इसमें से ना इन सब का सम और इन सब का सम बराबर बराबर है, ईच इक्वल टू कितना है, अगर इन सब का सम को s कहें, इन सब के सम को भी s कह दें, तो इसको 2s लिख सकते हैं। s बराबर ईच इक्वल टू होगा 2 टू द पावर n बटे 2। ये रिजल्ट हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में सीखे थे, डायरेक्टली यूज करना होगा। सम ऑफ दीज कोफिशिएंट्स इज 2 टू द पावर n माइनस 1 एंड दिस इज नथिंग बट हाफ। ठीक, चलिए समाप्त आज की।